रोड पर गोकुलधाम सोसाइटी में गुरुवार की रात दो जहरीले सांप देखने को मिले, जिसमें एक ने दूसरे को निगल लिया। उसके बाद सर्पमित्र द्वारा सांप का रेस्क्यू कर ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाया गया। वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के वॉलेंटियर आनंद शेलके को रात में किसी ने फोन किया और बताया कि गोकुलधाम सोसाइटी में दो सांप निकले हैं। आनंद थोड़ी देर में वहां पहुंचा तो देखा कि विषैले सांपों में गिना जाने वाला कॉमन क्रेट सांप एक अजगर के बच्चे को निगल रहा था। कुछ लोगों ने इन्हें मारने का मन बनाया, लेकिन सर्प मित्र ने उन्हें मारने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब क्रेट ने अजगर को निगल लिया तो उसे पकड़कर वन विभाग के सेमिनरी हिल्स स्थित ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाकर छोड़ दिया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।